नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। गोरखपुर में नगर निगम जो दावे तो बहुत बड़े बड़े करता है, पर उन दावों की हकीकत सच्चाई से परे नजर आती है। इसकी एक बानगी राप्ती नदी से सटे एकला बंधे पर देखने को मिला है, जहां कई सालों से शहर का कूड़ा फेंका जाता है और उसके निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां रहने वाले लोग कहीं ना कहीं नरकीय जीवन जीने को मजबूर है, जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की तस्वीर बदलने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके अधिकारियों की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर नजर आती है। यही कारण है कि उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और दिखाई पड़ती है। आलम यह है कि एकला बंधे पर रहने वाले नागरिकों की माने तो नगर निगम की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ होने के दावे कहीं ना कहीं झूठे साबित होते दिखाई पड़ते हैं। पिछले कई सालों से शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को लेकर बातें होती रही हैं, लेकिन अभी तक शहर के कूड़े के निस्तारण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। पूरे शहर भर का कूड़ा एकला बंधे पर लाकर पटक दिया जाता है। इसका विरोध यहाँ के नागरिक पिछले कई सालों से लगातार करते आ रहे हैं। ज्यादा विरोध होने पर कुछ दिनों के लिए कूड़ा फेंकना बंद हो जाता है, पर मामला शांत होते ही फिर से कूड़े को फेंकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं एकला बंधे के आसपास बसे ग्रामीणों नागरिकों का कहना है कि इनकी शिकायत को लेकर हम लोग नगर निगम के अधिकारियों से लेकर डीएम तक मिल चुके हैं, जमकर लड़ाई और विरोध भी किया गया, लेकिन अधिकारी हमारी बात सुनने के लिए सवाल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सालों से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का काम चल रहा है, तो उस काम में तेजी क्यों नहीं आ रही, जबकि सरकार का कहना है कि विकास कार्यों और धन की कोई कमी नहीं है, फिर क्यों लोग कूड़े की वजह से परेशान हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि आखिर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, नगर आयुक्त क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं। आपको भी मालूम होगा कि सजनवा तहसील के सुथनी गाँव में हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है वो बन रहा है, और वो जो 55% के ऊपर उसका सिविल वर्क पूरा हो गया है। वहीं पर हमारा सूखे कूड़े का भी प्लांट लग रहा है, वहीं पे हमारा गीले कूड़े का भी प्लांट लग रहा है, और अभी मैंने आपको बताया कि उस गीले कूड़े से हम लोग वहाँ पर बायो सीएनजी एवं ऑर्गेनिक कंपोस्ट डेवलप करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे वहाँ पर। तो ये जो उनसे कहा गया है, मुझे लगता है कि अगले आने वाले 6 महीने में पूरा प्रोजेक्ट जो है हमारा जो सूखे कूड़े वाला प्रोजेक्ट पूरा तरह तैयार हो जाएगा, और जो हमारा गीले कूड़े है वो भी 12 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। जो राजघाट पुल से सटे पश्चिम में नौसड़ एकला बांध पे जो कूड़ा गिराया जाता है, उससे पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलता है, और लगभग ये 5-6 सालों से चल रहा है। जब से बल्कि आप यूँ कह लिए भाजपा की सरकार बनी है, तब से वहाँ कूड़ा गिरना शुरू हुआ। जब ग्रामीणों ने उसे रोका तो प्रशासन ने 4 महीना 2 महीना 1 महीने का टाइम कई बार लिया, लेकिन आज तक प्रशासन ने नोटिस उसका नहीं लिया और लगातार वहाँ कूड़ा गिराया जा रहा है। रात में जब उसमें आग लगती है तो पूरा क्षेत्र धुएं से भर जाता है, घरों में धुआं चले जाते हैं और आँख सभी पूरे जो वहाँ जन गांव उस प्रदूषण से प्रभावित है। दिक्कत होती है शाम टाइम में, जब एक कूड़े में आग लग जाता है, धुआं निकलता है, जब तो जैसे ठंड पे शीत रहता ना, उस टाइप का धुआं पूरा इधर से इधर 2-3 किलोमीटर का जो भी क्षेत्रफल है उधर पूरा धुआं रहता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। सर यहाँ पे बैठती है जाके हम लोग के घर पे बने हुए खाने पे बैठती है, और मतलब वो सब खाना खाने से तबीयत तो खराब होती है, और इधर का मतलब जैसे ये सब है बहुत ज्यादा बदबू करता है। इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी से की? बहुत बार किया गया शिकायत। शिकायत तो बहुत बार हुई है, लेकिन बस आश्वासन देते हैं। तो कूड़े के ढेर से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से बदबू और तमाम तरह की बीमारियां लगातार पनप रही है, लेकिन कोई सुनवाई लोगों की नहीं हो रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को लेकर भी कई बार शिकायत हो चुकी है कि इसका काम तेजी से क्यों नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। राप्ती नदी से सटे एकला बंधे पर यह देखने को मिलता है, जहां कई सालों से शहर का कूड़ा फेंका जा रहा है, उसके निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां रहने वाले लोग कहीं ना कहीं नरके जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। मेरे सहयोगी धनेश मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, मैं सीधे उनका रुख करूंगी। धनेश, सीएम सिटी, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही कि लोग इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं?
कि मैं आपको बता दूं कि लगातार प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो है मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की बात करते रहे हैं, साफ सफाई की बात करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो सीएम सिटी यानी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के जो है गिरपत जनपद भी उसका बात की जाए तो यहाँ पे वर्षों से व्यस्त और जो पूरे कोई निशान की बात की जा रही है एक बल्ले पर ले जाके यहाँ पे 72 वार्ड है, लगभग 72 वार्ड का जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, घरों का कूड़ा इकट्ठा होता है, उसको ले जाकर के एकला बंदा जो है आप बना हुआ है 900 के पास एकला बंदा बना हुआ ग्रामीण विधायक जो विशिष्ट ग्रामीण इलाका है वहाँ पे लोग वहाँ पे बंदे भी जो कूड़े गिराए जाते हैं, लोग कई वर्षों से उसको उसका विरोध कर रहे हैं। नगर निगम के कई बार उससे बात भी की, उसका विरोध के बाद बात भी की, कुछ दिन बाद इसको 6 महीने 2 महीने समय लिया जाता है कि उसका निस्तारण जो है कूड़े का निस्तारण कहीं और किया जाएगा ले जाकर के, लेकिन अभी तक सालों बीत गए हैं उसका कोई निस्तारण का भी जगह एक जगह नहीं चिन्हित हो चुका है कि इस कूड़े को ले जाके कहीं और गिराया जा सके। अब वहाँ के जो स्थानीय है जब हमने उनसे बात की उन लोगों से उन्होंने कहा कि यहाँ के जो इतने दिक्कतें होती हैं आस पास में जो पूरे बदबू इसका बदबू जो है कूड़े की बदबू हमारे घर तक पहुँचती है, इससे कई लोगों का तबियत भी खराब हो जाता है, पेट में दर्द और डायरिया कई शिकायतें लगातार रहती हैं। इसका विरोध हम लोगों ने कई बार किया, वहाँ के स्थानीय पार्षद और स्थानीय जो नेता है उन लोगों ने विरोध किया, यहाँ तक कि जिलाधिकारी से भी उन लोगों ने सबको ज्ञापन दिया मिला उसका निस्तारण की बात कही गई, लेकिन अभी तक सालों से उसका कोई निस्तारण नहीं किया जा सका है। लोग नगर निगम की बात किया जाए तो नगर निगम हमेशा उनसे टाइम मांगती है कि हम 6 महीने 2 महीने समय दीजिए हम उसके बाद इसका यहाँ से जाना बंद कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई निस्तारण। बताइए कि कितने समय से यहाँ पर कूड़ा यहाँ पर फेंका जा रहा है और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो टीम है जो प्लांट लगाने की यहाँ बात हो रही है क्या वो प्लांट यहाँ पर मौजूद है और अगर है तो तेजी से काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि पैसे की कमी नहीं है, पैसे की स्वीकृति हो जाती है, टेंडर पास हो जाते हैं, उसके बावजूद भी कहाँ कमी रह जाती है कि लोगों को इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। मैं आपको बता दूं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए तो दूसरा सदक है, दशक में योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री प्रदेश के दूसरी बार बन चुके हैं, लेकिन पहले दशक के जो है वहाँ उन्होंने जो है स्वच्छ भारत जो मिशन चलाया जा रहा है उसके तहत अगर देखा जाए तो नगर निगम को अब तक करोड़ों रुपए दे चुके हैं और कोई कमियाँ नहीं हो, जो कूड़ा उठाने की मशीन कही जाए, डंपर की बात की जाए, सारे जो है सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, सारे जो है वहाँ पे कोई पैसे की कमी नहीं, लेकिन बात की जाए अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए उसका नगर आयोग से जब हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि सजनवा के पास वो अभी बन रहा है, कितने महीने लगेंगे क्या दिन लगेंगे उन्होंने एक मुश्त समय की बात नहीं कही, हम कहें कि कुछ महीनों बाद वो वहाँ से बन जाएगा तो उसका निस्तारण किया जाएगा, लेकिन हर बार यही बात होती है कि 6 महीने साल भर जबकि दूसरे दशक में मुख्यमंत्री है, पैसे की कोई कमी नहीं, विकास की बात की जाए तो विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे लगातार जो है जब भी आते हैं गोरखपुर आते हैं तो यहाँ गोरखपुर वासियों को कुछ ना कुछ जो है भेंट दे के जाते हैं, अगर बात की जाए लाखों करोड़ों की बात साफ सफाई की बात की जाए, स्वच्छ भारत सुंदर स्वच्छ गोरखपुर सुंदर गोरखपुर बनाने की बात की जा रही है, लेकिन अगर बात की जाए कूड़ों कचरों की तो ले जाके बंदों पे जो जिस बंदे पे गिराया जाता है वहीं से वो फोर लेन को टच करता है और रास्ता फोर लेन को टच करता है, आने जाने वाले लोगों ने भी बताया कि वहाँ पे काफी दिक्कतें होती हैं। नगर निगम इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि नगर आयुक्त जो है अविनाश सिंह उनसे भी बातचीत हो, मेरी टीम फोन भी मिला रही है उन्हें, जैसे ही फोन उठाते हैं हम बातचीत उनसे भी करेंगे, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर बने रहते हैं, आपने क्या बातचीत की नगर निगम द्वारा, क्या कुछ कहा गया? नगर निगम के अधिकारी नगर आयुक्त अविनाश सिंह जो है उन्होंने कहा कि निस्तारण की जाएगी जल्द ही निस्तारण, कुछ महीने का समय हमें लगेगा और जो सजनवा में वेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट की बात की जा रही है वहाँ पे और सारा वहाँ पे जगह देख लिया गया है, कार में चालू है, लेकिन अभी जो बात की जाए अगर मुख्यमंत्री जो है कहीं धन का अभाव नहीं है, कोई भी दिक्कतें नहीं है, लेकिन आखिर में सालों से कचरा वहाँ गिराया जा रहा है, अभी तक क्यों नहीं निस्तारण हो पाया है,
वहाँ के नागरिक कहते हैं, स्थानीय नागरिक जो कहते हैं कि सालों से हम लोग दिक्कतें सह रहे हैं। अगर बात की जाए तो वहाँ स्थानीय नागरिक ये भी है कि कुछ लोग थाना की अपने घरों को छोड़ के पलायन भी कर चुके हैं, कूड़े से बदबू से जो है उनको दिक्कतें होती हैं, कितने लोग बीमार लगातार बीमार पड़े रहते हैं, इसीलिए कुछ लोगों ने वहाँ का अपना आवास भी छोड़ दिया, वहाँ से पलायन भी कर लिया है। लेकिन जो गरीब तबके के हैं मजबूरन उनको वहाँ रहना पड़ रहा है, मक्खियों जो मक्खियाँ वहाँ बैठती हैं कूड़े पे वही जाके उनके घर के खानों पे बैठती है, घर पे खानों पे बैठती है, क्योंकि उनके लिए जो है। दानेश मैं रुक करूंगी आपका, प्रमोद पाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी है। प्रमोद जी क्या दिक्कतें आ रही है, क्योंकि अगर तस्वीरों की मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा एरिया है जहां पर ये डंपिंग ग्राउंड तरीके का बनाया हुआ है और यहां पर लगातार कूड़ा फेंका जा रहा है, लेकिन आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्हें किस तरह की मुसीबत झेलनी पड़ रही है? प्रमोद जी, जी मैं आपको बताऊं कि यह मामला यहाँ विगत 7-8 वर्षों से है और यहाँ पूरे शहर भर का कूड़ा ला करके यहाँ डंप कर दिया जाता है। नगर निगम ये कहता है कि हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर प्लान चल रहा है, सरगवा में काम चल रहा है, 55% में काम हो चुका है लेकिन अभी तक तो वो पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन अब हमारे तो शहर में कूड़ा ला करके अगर इस क्षेत्र में पकड़ लिया जाए तो यहाँ के नागरिकों को बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ का जानवर दुर्घर होता है, संक्रमण बीमारियां पैदा कर जाता है, बड़े वो जानवरों को भी ला करके यहाँ पटक दिया जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है निशान इस नगर निगम और यहाँ की प्रशासन पर है, क्योंकि सीएम का सिटी सीएम लगातार प्रयास करते रहते हैं कि इस यहाँ की सफाई व्यवस्था को सुधारा जाए और अच्छे बेहतर प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की गुस्सा के कारण इस तरह का मामला सामने आता रहता है लगातार। प्रमोद जी क्या लगता है, क्या जो 70% काम हो चुका है उस पर 100% काम हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा, क्या विश्वास है नगर निगम पर? जी जहाँ तक सीएम की बात की जाए तो वो तो लगातार प्रयास करते ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की ही काफी देर है किस तरह की स्थिति बनती रहती है। आपसे प्रमोद जी, नगर निगम पर विश्वास है कि कर देगा 100% पूरा काम? जी जी विश्वास है हम लोगों को कि आने वाले समय में वो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे और ऐसा हम लोग का विश्वास है, विश्वास से दुनिया का आयाम है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि इस खबर को जिस तरह से प्रमुखता न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने दी है और जिस तरह से दिखा रहा है तो जरूर इस पर एक्शन लिया जाएगा। दानिश, स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम है जो 70% हो चुका है वो 100% जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या वाकई अधिकारी उतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उतनी तेजी दिखा रहे हैं जिसकी उम्मीद स्थानीय लोग कर रहे हैं? देखिए 5 साल पूरे होने के बाद दूसरे दशक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के प्रदेश के मुखिया बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। 5 सालों में अगर बात की जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जगह को अगर बताएगा 70% 5 साल में 70% तक अभी काम हुआ है तो 30% तक कब तक हो जाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि 30% कब तक हो जाएगा। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत की बात कहती है, जो भी ये स्लोगन है उसको कहीं भी कहीं जो है कहीं पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जो है स्वच्छ गोरखपुर करने के लिए नगर निगम गोरखपुर को जो है नया बिल्डिंग दिया है, नई मशीनरी दी है, नई सारी चीजें दी है, पैसे की कोई कमी नहीं, धन का कहीं अभाव नहीं है, तो क्यों अब तक 5 सालों में 70% क्यों हुआ? ये बड़ी बात है, वहाँ के जनता जो नागरिक है वहाँ जो बदबू से परेशान है, डायरिया और तमाम तरीके के रोग जो हो जा रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं वहाँ से, आखिर क्यों 5 साल में जो मुख्यमंत्री को धन का कोई अभाव नहीं कर रहे? लेकिन अगर बात की जाए तो देखा जाए कहीं ना कहीं नगर निगम के जो अधिकारी है उनको उसकी भिलवाई। स्थानीय पार्षद है कृष्ण मोहन यादव, वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले पर, क्या जनता की सुनवाई करते हैं? कि उन वो भी जो है विरोध में शामिल हुए थे अपने लोग स्थानीय लोगों के साथ, कृष्ण मोहन यादव जो है वहाँ के स्थानीय पार्षद है, वो भी वहाँ से वहाँ के लोगों से लोगों के साथ वहाँ खड़े होकर कई बार विरोध किया, नगर निगम के कर्मचारियों से झड़प भी हुई, आशावाही भी हुआ कि यहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं गिरेगा, लेकिन मौके पे जाके नगर निगम के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी जाके उनसे समय मोहलत मांग के उनको निस्तारण कर देते हैं, लेकिन उनकी बात कही जाए तो उन्होंने कई बार 6 महीने 2 महीने उन्होंने खुद कहा कि यहाँ समय मांगते हैं लेकिन समय सीमा कभी उनकी पूरी नहीं होती है। और अविनाश सिंह नगर आयुक्त को भी हम मेरी टीम लगातार फोन कर रही है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं, तो देखिए जिम्मेदारी जिनकी है उनको लगातार हम कोशिश कर रहे हैं फोन करने की, जिनको कॉल किया है आएंगे क्योंकि लाइन
प्लीज बी ऑन द लाइन। कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपने जिनको कॉल किया है वो जल्द ही आपका कॉल उठाएंगे। कृपया लाइन पर बने रहें। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। दानिश ये देखिए, ये जिम्मेदार जो है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी जवाबदेही है, वो फोन नहीं उठाते हैं। पहले से ही पूरा मामला, पूरा मुद्दा, पूरी समस्या बता दी जाती है, उसके बावजूद भी फोन नहीं उठाया जाता। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, आप अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। जी बिल्कुल, कई बार होते हैं नगर निगम की खबरें कई बार दिखाई जाती है और उससे पहले हमारे आपसे बात हो जाती है, उसके बाद जब कॉल किया जाता है तो जिम्मेदारी से अपने, अगर सही कहा जाए तो बात करने के बाद अगर वो फोन नहीं उठाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, दुआ रहे हैं कि कहीं जवाब ना देना पड़े। और जवाब देने में अगर हो सकता है फंस भी सकते हैं कि किस तरह से किसान की बात करते हैं, स्वच्छ गोरखपुर की बात करते हैं, जगह जगह के बैनर रखते लगाए गए हैं नगर निगम की तरफ से कि मुस्कुराइए आप गोरखपुर में, स्वच्छ गोरखपुर, स्वच्छ गोरखपुर। लेकिन यही स्वच्छ गोरखपुर, अब जब आप शहर से बाहर इकला बंदे तरफ जाते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं, वहाँ इकला बंदे जो लोग फोर लेन पता हुआ फोर लेन इकला बंदा जो रास्ता जाता है वहीं पे सारी स्वच्छ गोरखपुर की जो स्लोगन है उसको जो है उसको पलीटा लगाते हुए देख रहे हैं नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी। साफ दिखाई देता है कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर ये कूड़ा का पहाड़ कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। आसपास कितनी ऐसी बस्तियां हैं, कितने ऐसे गांव हैं, कितने ऐसे कस्बे हैं जिनको पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है? जी बिल्कुल, हजारों कहा जाए लाखों की संख्या में नागरिक अगल बगल रहते हैं, कई गाँव से वहाँ पे दर्जनों गाँव है, वहाँ पे सैकड़ों है, ग्रामीण विधानसभा है और बात करते हैं और लगातार ग्रामीण विधायक जो है उनसे भी बात करने की कोशिश किया जाए कि क्या साफ सफाई और लगातार भ्रमण की बात करते हैं तो क्या ग्रामीण विधायक जो है उनके अपने क्षेत्र के नागरिकों की जो जो ये दिक्कतें हैं उनको सुनते नहीं है। सालों से वहाँ पे जो है ये कूड़ा का गिराया जाता है, वहाँ पे लाखों लोग हैं इससे प्रभावित हैं, अगल बगल के जितने गांव हैं वहाँ पे उनको बदबू से दिक्कतें होती है। हमसे उन्होंने बताया कि मैं जब मौके पर पहुंचा तो उन्होंने बताया कि डायरिया की शिकायत भी हो जाती है और लगातार जो मक्खियाँ वहाँ पे कूड़े से मक्खियाँ जो उड़ के आती हैं उसमें जो कूड़े ले जाते हैं शहर से उसमें तमाम तरीके के जो जानवर मरे जाते हैं उनको भी उसी जगह पे डंपिंग किया जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं वहाँ के जो कूड़े जो गिराए जा रहे हैं वहाँ के जो नागरिक आस पास के उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं उसमें कुछ रोगों के शिकार भी हो रहे हैं। वहाँ के लोग बताते हैं अगर कि वहाँ की जो मक्खियाँ उड़ के जाती हैं अगर सफेद कपड़े को अगर वहाँ रख दिया जाए। ठीक है दानिश शुरू करूंगी आपका। कृष्ण मोहन यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय पार्षद हैं। मोहन साहब बहुत स्वागत है पहले तो आपका न्यूज़ वन इंडिया में। जी मैम आवाज कट रही है आपकी। सर आवाज आ रही है मेरी अब आपको? जी 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 बोले। सर एक समस्या है और समस्या से अवगत होंगे आप। हाँ बताएं। समस्या ये है कि कूड़े से निजात मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, कूड़े से निजात नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, विरोध कर रहे हैं लेकिन विरोध तेज होता है तो कूड़ा डालना बंद हो जाता है, उसके बाद फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी जी मैम, इसको जो है कि हम लोग लिखित भी दिए थे और मेयर साहब से नगर आयुक्त साहब से जो है कि ये बात हुई है, उन्होंने यहाँ पे जो है कि काम सुथनी पे सजनवा के पास सुथनी ग्राम सभा में काम चल रही है मैम। नगर आयुक्त मेयर साहब का ये जो है कि मानना है कि बहुत जल्द हम लोग 6 महीने के अंदर वहाँ पर कार्य पूरा कर लेंगे तो उसके बाद जो है कि यहाँ कृष्ण जी 6 महीने अभी लोगों को इसी बदबू में इसी कूड़े में जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और ये आज का मामला तो है नहीं, ये कूड़े का पहाड़ अभी तो बना नहीं होगा कि एक दिन में बन गया। नहीं, पहले से ही। जी जी मैम, ये पहले से ही चला आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में जो है कि लिखित द्वारा और उस तरह से मिल के भी हम लोग करा दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी जानकारी में ये चीज हो गया है और वहाँ पे। मोहन साहब लेकिन आप कह रहे हैं कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के भी पूरे संज्ञान में मामला है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अविनाश जी को कॉल करने की, नगर आयुक्त हैं फोन नहीं उठा रहे हैं,
देखिए जिम्मेदारी उनकी बनती है, उनको बताना चाहिए, सामने आना चाहिए। ग्रामीण परेशान है, जो कस्बे के निवासी हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। काम तो चल रहा है, काम तो पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन कब काम पूरा होगा, सवाल ये है। जी जी मैम, काम तो पब्लिक बहुत ज्यादा है, आश्वासन पे ही आश्वासन मिलता रहा, फिर भी जो है कि वहाँ पे मौके पे जा करके हम खुद देखे जो है काम वहाँ पे तेजी से चल भी रहा है मैम। कितना समय लग जाएगा? और देखिए उनके कहने के अनुसार वो तो जो है कि 6 महीने का समय मांग रहे हैं, मगर लग रहा है कि 3 से 4 महीने में वो कार्य पूरा हो सकता है। पक्का 3 से 4 महीने में पूरा हो जाएगा काम, पूरा यहाँ से कूड़ा हट जाएगा? भाई वहाँ पे काम देखने से तो जा रहा है। जी जी मैम, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनेश पार्षद साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बात की है, मेयर साहब से भी बात की, तो काम जिस तेजी के साथ चल रहा है, उनको ऐसा लगता है कि 6 महीने का जो वक्त नगर निगम के तरफ से दिया हुआ है, ये 4 महीने में ही काम पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में, एक महीने में या एक साल में इतना कूड़ा इकट्ठा हुआ हो, ये तो सालों से इकट्ठा हो रहा होगा, तो काम में तेजी क्यों नहीं लाई गई है और आयुक्त साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? बिल्कुल बात की जाए तो सालों की दिक्कतें हैं, आज की दिक्कतें नहीं, परेशानी है। ये सालों से यहाँ पे कूड़े को यहाँ पे गिराया जा रहा है। शहर के 72 वार्ड है, 80 वार्ड हो चुके हैं, लेकिन 80 वार्ड का कूड़ा अगर देखा जाए तो वहीं पे एकले बंधे पे ले जाके गिराया जाता है। सालों से बातें चली आ रहे हैं, सवाल होता रहा, मौके पे सिटी मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस और नगर निगम के सारे अधिकारी, कई बार ग्रामीणों से हाथापाई होना पड़ा कि कई बार बात होती थी कि इसको यहाँ नहीं गिराया जाएगा, लेकिन समय मांगते मांगते साल हो गए, 6 महीने, 2 महीने, स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार वहाँ पे विरोध धरना प्रदर्शन भी किया गया है, जिलाधिकारी साहब को भी फोन मिलाया जा रहा है, लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हें लाइव जोड़े ताकि उनसे सीधा सवाल जवाब हो सके। दानिश, कितनी बार इस पूरे मामले की शिकायत स्थानीय लोग कर चुके हैं और कितनी बार सुनवाई हुई है और कितनी बार सिर्फ आश्वासन मिला है? जिलाधिकारी साहब को फोन मिलाया जा रहा है, दानिश बेल जा रही है। कृष्णा कुरुणेश जिलाधिकारी गोरखपुर, उनको फोन मिलाया जा रहा है। हेलो कृष्णा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, जिलाधिकारी साहब से बात हो रही है मेरी? नहीं सर, क्या मेरी बात हो सकती है सर से? माननीय मुख्यमंत्री जी क्या है मीटिंग में गोरखपुर आए हुए? ठीक है, कब मेरी बात हो सकती है उनसे? शाम को देखिएगा। चलिए ठीक है, आप बता दीजिएगा। एक समस्या है गोरखपुर की, उसी के सिलसिले में बात करनी है। आवाज आ रही है सर मेरी आपको? फोन काट दिया गया। दानिश, जिलाधिकारी साहब को फोन मिलाया गया है, किसी और ने फोन उठाया, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि वो यहां पर मौजूद नहीं है, शाम को ही बात हो सकती है। सवाल ये है कि कई सालों से पूरा मुद्दा, पूरा मसला, पूरी समस्या बनी हुई है, लेकिन कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है कि कोई कुछ कह नहीं रहा है? जो गोरखपुर है वो सबसे ज्यादा चमकदार, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा स्वच्छ होना चाहिए, वहां पर इस तरह की तस्वीरें? जी बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर को स्वच्छता में नंबर वन की रैंकिंग भी दी गई है कि स्वच्छ भारत, स्वच्छता में नंबर वन पे गोरखपुर है। लेकिन अगर बात की जाए तो स्वच्छता की बात अगर की जाए तो अगर अगले बंदे पे अगर जाके देखा जाए तो रैंकिंग पूरी तरह से फेल नजर आएगा। तो बात करते हैं रैंकिंग में 1 नंबर दिया गया गोरखपुर को। साफ सफाई की बात कही जा रही है, स्वच्छ भारत की बात कही, स्वच्छ भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, लेकिन उन्हीं के गृह जनपद के अधिकारी जो है भारत में पलीता लगाते हुए
वो दिखाई देता है धनेश, धरातल पर दिखाई देता है कि कुछ अभी भी अधिकारी ऐसे हैं जो अच्छे मंसूबों से काम कर रहा है, उनके मंसूबों पर पलीता लगाते हैं, कुछ ऐसा ही इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है धनेश। और वाकई तस्वीरें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि अगर सीएम सिटी का ये हालात है तो दूसरे जिलों के क्या हालात होंगे। बिल्कुल, अगर बात की जाए स्वच्छता के लिए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं भी किसी प्रकार का धन का अभाव नहीं छोड़ा है, अगर ये बात की जाए तो मुख्यमंत्री के तरफ से कोई दिक्कतें नहीं है, धन का कोई अभाव नहीं है। जब भी आते हैं गोरखपुर वाले, नगरवासियों के लिए कोई ना कोई सौगात, लाखों करोड़ों की सौगात हमेशा सौगात दिए जाते हैं। ग्रामीण विधायक उनको भी मेरी टीम लगातार फोन कर रही है लेकिन उनका नंबर भी नहीं लग रहा है। जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी जवाबदेही है, वो फोन उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। धनेश, आप ग्राउंड जीरो पर लगातार बने रहेंगे, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरे मसले पर, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर मामला ये है कि कूड़ा फेंक फेंक कर कूड़े का पहाड़ बना दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो ग्रामीण है, नागरिक है, वो बहुत परेशान है। उनकी शिकायत भी ये है कि हम लोग बार बार नगर निगम के अधिकारियों से लेकर डीएम तक मिल चुके हैं, जमकर लड़ाई और विरोध भी किया लेकिन अधिकारी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे सवाल थे, जवाब तलाशने की कोशिश की गई लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में कैसे स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर होगा, ये तो खैर समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।